हेलो गाइस, आज पुष्पा ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको फेस ब्राइटनिंग फेशियल किट के बारे में बताऊंगी, जो बाओ कंपनी का है विटामिन सी फेशियल ब्राइटनिंग किट। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बाओ कंपनी बहुत ही अच्छा होता है, ये आपके स्किन को अच्छे से क्लीन करता है बिना कोई साइड इफ़ेक्ट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो, और मैं आपके सामने ही ये फेशियल करके इसका लाइव रिजल्ट दिखाऊँगी। और ये देखिए है विटामिन सी ब्राइटनिंग फेशियल किट, इसमें 6 स्टेप होते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 6 स्टेप हैं। आप इस किट से 2 से 3 बार फेशियल कर सकते हैं आराम से, और 1 बाय 1 स्टेप इसमें लिखा हुआ है कि कैसे आपको इसे यूज करना है और आपके फेस को ब्राइटन अप करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने फेस को एक वाइप से या कॉटन क्लॉथ से या स्पॉन्ज से किसी से चीज़ से भी अपने फेस को अच्छे से क्लीन अप कर लें, ताकि आपके फेस पे जो भी मेकअप प्रोडक्ट लगा हो वो अच्छे से रिमूव हो जाए और आप अच्छे से अपने फेशियल कर सकें। तो सबसे पहला स्टेप है विटामिन सी क्लिंजिंग मिल्क। इस क्लिंजिंग मिल्क को आपको 1 से 2 मिनट लगाना है। ये आपके फेस के जितने भी डर्ट बचे हुए हैं उसे क्लीन करेगा, साथ ही आपके स्किन को ब्राइटन अप और स्मूथ और हाइड्रेट भी करेगा। ये विटामिन सी है तो आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है गाइज। इसे 2 मिनट तक जेंटली मसाज करें, फिर कॉटन टिश्यू से रिमूव कर दें, जैसा कि आपने वीडियो में देख रहे हैं। मसाज हमेशा सर्कुलर मोशन में करें गाइज। अब 2 मिनट हो जाए तो आप अच्छे से देख सकते हैं, रिमूव कर दें। मैंने इस कुछ अपना ऐड की हूँ संतरे, क्योंकि अभी संतरा का सीजन था तो विटामिन सी मैं फेशियल किट कर रही हूँ, तो थोड़ा संतरा का भी रस लगा ली हूँ, इससे और डायरेक्ट लगेगा फेस पे विटामिन सी। सेकेंड स्टेप है विटामिन सी फेस स्क्रब, जो आपके स्किन के जितने भी डेड सेल है उसे अच्छे से रिमूव करेगा। इसे भी आपको मसाज करना है सर्कुलर मोशन में 3 से 4 मिनट। उसके बाद 3 से 4 मिनट हो जाए तो आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन अप कर लें एक वाइप या स्पॉन्ज की हेल्प से। थर्ड स्टेप है विटामिन सी सीरम, जो आप अपने फेस पे इसको अप्लाई करना है थर्ड स्टेप में। ये आपके स्किन को अच्छे से नरिश करेगा। इसे तब तक ये करना है जब तक कि आपका अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए, मतलब आपको 5 to 6 मिनट अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपके फेस को अच्छे से नरिश करता है। और फोर्थ स्टेप है मसाज क्रीम, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है मसाज का फेशियल में। इसे आपको 5 से 10 मिनट तक अच्छे से मसाज करना है। मैंने इसमें संतरे के पल्प भी ली हूँ, विटामिन सी का फेशियल करी हूँ, एक डायरेक्ट ओरिजिनल विटामिन सी है। इससे भी थोड़ा सा फेस में जितने भी टैनिंग है वो अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। फिर मैंने 5 से 10 मिनट अच्छे से मसाज करने के बाद इसे भी क्लीन अप कर लिया एक स्पॉन्ज की सहायता से। आपको लाइव रिजल्ट देखने को मिलेगा, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट होता है। बाओ के सारे प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। ये आपके स्किन के जितने भी टैनिंग है उसे रिमूव करता है और आपके स्किन को इंस्टेंट ब्राइट करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिफ्थ स्टेप है फेस मास्क, इसे आपको अच्छे से पूरे फेस एंड नेक पे अप्लाई करना है, और इसे कम से कम 10 to 15 मिनट इसे छोड़ देना है। जब ये अच्छे से सूख जाए तब फिर आप इसे क्लीन करेंगे। इसे पूरे फेस पे अच्छे से लगा लें, काफ़ी थिन लेयर लगाएं, खूब मोटा करके ना लगाएं, ताकि ये 10 to 15 मिनट्स में अच्छे से सूख जाए। ये आपके स्किन को टाइटनिंग देगा, आपकी स्किन को ग्लो करेगा। और इसे रिमूव करने के से पहले थोड़ा सा विटामिन सी संतरा का पल्प से अच्छे से मैंने मसाज किया। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, अभी चूँकि संतरा का सीजन इसलिए मैंने संतरा को इसमें ऐड की। आप देख सकते हैं मेरा फेस कितना स्मूथ हो गया है। अब 6 स्टेप आएगा स्मूथनिंग जेल, जो आपके स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ बेबी सॉफ्ट कर देगा। और ये एक हाइड्रेटिंग जेल है जो आपके स्किन को इंस्टेंट मतलब सॉफ्ट फील कराएगा, बहुत ही बेबी सॉफ्ट फील कराएगा। तो गाइस थैंक यू, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आप ही एक बार ज़रूर ट्राई करें बाओ का फेशियल किट। बाय बाय।